शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक काम करो, गौरव के हाथों से स्वस्तिक बनवाना। ऐसा करते ही उर्वशी का वशीकरण कमजोर होगा और फिर गौरव तुम्हें जानेगा और तुम्हारे त्याग को भी। पंडित जी। हाँ बेटा। स्वस्तिक नहीं बनाया है। तुम इसे जल्दी से बना लो, मैं और विधि कर लेता हूँ। गलत है। तुम ही हमारी हेल्प कर दो प्लीज। कुछ अजीब सा लग रहा है। लगता है कि मेरे वशीकरण की शक्ति कमजोर पड़ रही है। ये श्रेया कहाँ मर गई? उसने गायत्री को सुई चुभाई होगी या नहीं? गायत्री को सुई चुभा दी? हम वो सुई गायत्री को चुभाने गए थे, लेकिन गलती से वो सुई हमने खुद को चुभा ली। What? Idiot! ये काम तुमसे ढंग से नहीं होता। श्रेया, वहां कनाडा में सत्यनारायण की पूजा कहां ही होती होगी? गायत्री को बताओ कि जहां वो बैठी है वो जगह मेरी है। बताने की क्या जरूरत है, सुन ही लिया होगा। श्रेया, स्वास्तिक तुम बना रहे। और तुम गेट अप, उठो वहां से। मेरे ही घर में मुझे कहां उठना है, कहां बैठना है, ये तुम मुझे नहीं बताओ। दुर्गा मां, इस पागल औरत को यहां से लेकर जाए, वरना पता नहीं इसके साथ मैं क्या कर बैठूं। नजर नीचे और तुम पीछे, और दूर रहो मेरे पति से, और तुम दूर रहो मुझसे। ज्यादा मत बोलना वरना इस घर से तुम्हारा बोरिया बिस्तरा भी उठ सकता है। इसलिए मेरा मुंह मत खुलवाना। अब जल्दी से काढ़ा बना लेती हूँ। उर्वशी का तमाशा जो देखना है। पंडित जी, जी। पूजा शुरू कीजिए। पुष्पम समर्पयामि, पुष्प यहाँ चढ़ा दीजिए कलश।
एक काटा पर खाया नहीं। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ये गौरव कहाँ जा रहा है? क्या कर रही हो? वही कर रही है जो अब तक करती आई है। गौरव तुम जाओ, मम्मी पापा बुला रहे हैं। मेरे पति के बर्थडे की प्लानिंग कर रही हो तो दिल आ गया है क्या मेरे पति पर? देखो तो क्या बना रही हो तुम उसके लिए? पक्का केक ही होगा। तुम्हें उससे क्या मतलब है? मतलब है मेरा पति है, मेरे पति का बर्थडे है, मुझसे मतलब नहीं होगा तो फिर किससे होगा? देखो तो क्या बना रही हो तुम, हटो। बिल्कुल केक ही है ये। केक तुम्हारे हाथ का बना हो गौरव के मुंह तक नहीं पहुंचेगा। मैं देखती हूँ कि गौरव ये केक कैसे खाता है। अब लाइव शो के लिए रेडी हो जाओ उर्वशी। गौरव अब केक काटते हैं। उर्वशी कहाँ है? उर्वशी दीदी अभी तो यहीं थी। हो सकता है गायत्री ने हंटर मार दिया हो। क्या कहा? आप हमारे कहने का मतलब यह है कि हो सकता है गायत्री जी ने कुछ काम बता दिया हो, वही कर रही हूँ इसलिए लेट हो गई हूँ। लगता है काढ़े का असर एक घंटे से पहले ही हो गया। देखते हैं जाके कहाँ उल्टियाँ कर रही है। ये लो आ गए दीदी। गहना काढ़ा पिलाने में चूक तो नहीं गई? क्या हुआ बेटा, परेशान क्यों लग रही? काढ़ा दे दिया तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जी वो दरअसल हमें डर लग रहा है, अगर काढ़ा का असर नहीं हुआ तो। मतलब तुम्हें अपने सारथी पर शक है? नहीं नहीं दुर्गामा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी जिंदगी में हमारे साथ इतना सब कुछ हुआ है कि अब हमें अपनी किस्मत पर ही भरोसा। इस वक्त तुम अपना किस्मत खुद लिख रही, अब सब अच्छा ही होगा। एक घंटे में अगर वो उर्वशी को उल्टी हुई तो समझ लेना वो गर्भवती नहीं है। अब उर्वशी भी आ गई तो केक काट ले। मम्मी जी अकेले दामाद जी क्यों? उर्वशी दीदी उनकी पत्नी है और वैसे भी शादी के बाद दामाद जी का ये पहला जन्मदिन है तो दोनों को साथ में केक काटना चाहिए। मेरी आंखों के सामने मेरा हक उर्वशी ले जा रही है। हौसला रखो, कुछ देर की बात है, उसके बाद गौरव तुम्हारा होगा। हैप्पी बर्थडे। रुको, सही टाइम पर गलत करना आदत है इसकी। क्या हुआ? आज सिर्फ गौरव के बर्थडे का सेलिब्रेशन नहीं है बल्कि बिजनेस डील का भी सेलिब्रेशन है। आई थिंक केक कट करने से पहले
डांस क्यों नहीं कर लेते? ये भी अच्छा आइडिया है। वैसे भी केक में बहुत सारी कैलोरीज होती हैं। केक खाने से पहले डांस कर लेंगे तो कुछ कैलोरीज भी बर्न हो जाएगी। मैं ब्लूटूथ ऑन करके म्यूजिक स्टार्ट करती हूँ। गायत्री मुझे और गौरव को केक काटने से रोक रही है। एनीवे, बाद में ही सही, पर केक तो कटेगा। थोड़ी देर और रुक जाओ, तुम्हारा वार तुम पर ही उल्टा पड़ने वाला है उर्वशी। गौरव, लेट्स डांस। तुमने तो उर्वशी को मौका दे दिया। मौका दिया नहीं है दुर्गा माँ, मौका छीना है। हमारे गौरव के साथ उसके बर्थडे के दिन पर कोई केक कट करे, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। और उर्वशी का गौरव का डांस देखा जाएगा। थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन हम ये कड़वा घूट पी लेंगे। उसके बाद उर्वशी को पिलाया कड़वा काढ़ा, वो सब कुछ ठीक कर देगा। ऐसा ही होगा मेरी बच्ची। दिखाना शुरू कर दिया। अब थोड़ी देर में उर्वशी के गर्भवती ना होने का पर्दाफाश हो जाएगा। रमेश, जरा देखिए ये लाइट कैसे चली गई अचानक। यही सही मौका है गहना और गौरव की नजदीकियां बढ़ाने का। पार्टनर्स है, आई मीन बिजनेस पार्टनर्स, तो डांस सेलिब्रेशन भी तो बनता ही है। दीदी, आप ठीक हो? वॉमिटिंग आ रही है, मैं अभी आती हूँ, तुम सब संभाल लेना। हाँ हाँ, अभी कहाँ? वॉशरूम जाना है मुझे। डांस छोड़ के पहले गौरव के साथ डांस तो कर लो। इतना गुस्सा क्यों? क्या हो गया? वॉशरूम ही जा रही हो या कुछ और? हटो। तुम ठीक हो उर्वशी? उर्वशी, सर
जरूर इस गायत्री ने पानी में कुछ मिलाया होगा। चलो कमरे में चलो। किसी ने डॉक्टर को फोन किया क्या? डॉक्टर को तो बुलाना ही था। उर्वशी की तबीयत इतनी खराब जो हो गई है तो डॉक्टर कैसे नहीं आते? तकलीफ देने वाली तकलीफ मिटाने की बात कर रही है, डॉक्टर को फोन कर दिया, चाहती क्या है मुझसे? डॉक्टर जरा देखिए ना, इन्हें इन्हें उल्टियां हो रही हैं। डॉक्टर प्लीज अच्छे से चेक कीजिएगा कि ये सच में प्रेग्नेंट है भी या नहीं। ये उल्टियां प्रेगनेंसी की वजह से हो रही है या कोई और रीजन है? अब तो पक्का यकीन हो गया कि बहुत बड़ी गड़बड़ है। डॉक्टर ध्यान से, मुझे तो बहुत डर लग रहा है कहीं कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो गई हो। अगर वैसा हुआ तो बच्चे पर भी असर पड़ेगा। बार बार प्रेगनेंसी वाला राग छेड़ रही है, कहीं मेरा प्रेगनेंसी का रास्ता नहीं खोलना चाहती? मेरी रिंग, आज तो ऐसे हवाइयां उड़ेंगी उर्वशी के चेहरे पर। अब क्या करूं? बच्चे को कोई खतरा नहीं है। क्या इसका मतलब उर्वशी प्रेग्नेंट है? आप समझे नहीं, मेरा मतलब है जब ये प्रेग्नेंट है ही नहीं तो खतरा कैसा? आप क्या बोल रहे हैं? मैं प्रेग्नेंट हूँ? ये आपकी गलतफहमी है, प्रेगनेंसी के कोई भी सिम्टम्स नहीं है। ये आप क्या कह रही है डॉक्टर? मतलब उर्वशी ने प्रेग्नेंट होने का झूठा नाटक किया, पर क्यों? उर्वशी तुमने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला। गौरव, हो सकता है कि सच में उर्वशी प्रेग्नेंट हो। मैं नहीं लगता। डॉक्टर के पास क्या वजह होगी झूठ बोलने की? हाँ, ये बात तो हमने सोची ही नहीं। उर्वशी, तुम्हारा पति गौरव तुमसे कुछ पूछ रहा है, बताओ। तुमने उससे इतना बड़ा झूठ क्यों छुपाया? वो एक्चुअली अब बस भी करो, झूठ पर झूठ बोले जा रही हो। अब तो तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है, अब तो मान लो और बता दो कि गौरव को तुमने बेवकूफ बनाया। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके जज्बातों के साथ खेला, उसे अपने जाल में फंसाया है तुमने। जाल में फंसाया? हाँ गौरव, पहले तो इसने प्रेगनेंसी का झूठा नाटक किया ताकि तुम इसके बस में रह सको, एक कठपुतली बनकर, ताकि ये तुम्हें अपने इशारों पर नचा सके। और तुम्हें नचाया भी गौरव, तुम खुद से पूछ लो गौरव, क्या तुम इसके झूठे नाटक की वजह से खुद मजबूर नहीं हुए? क्या तुमने अपने आप को गुनहगार नहीं समझा? तुम असमंजस में नहीं रहे गौरव?
गौरव प्लीज, ये ना कुछ भी बोल रही है, तुम इसकी बात मत सुनो, मेरी बात सुनो। मैं बस उर्वशी, अब तुम हमारी बात सुनो। तुम्हारी वजह से हम अपने आप पर शर्मिंदा रहे। हम सोच भी नहीं सकते थे उर्वशी, तुम सच में बहुत ही घटिया और गिरी हुई हरकत की है। नहीं गौरव, मैं बताओ क्यों किया तुमने ऐसा, जवाब दो क्यों किया तुमने ऐसा। गौरव प्लीज, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने जो कुछ भी किया ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, इसलिए मुझे और कोई रास्ता ही नहीं दिखा। हमसे प्यार नहीं करती है, क्योंकि अगर तुम हमसे प्यार करती तो हमसे झूठ नहीं बोलती, हमें धोखा नहीं देती, हमारी जिंदगी को अपने हिसाब से नहीं चलाती। तुम हमसे नहीं, खुद से प्यार करती हो, अपने आप से प्यार करती हो। और जो दूसरों से प्यार करता है ना, वो किसी और के लिए जीता है, खुद के लिए नहीं। आज हमें अफसोस हो रहा है कि हमने तुम्हें जानने में चूक कर दी। हम जा रहे हैं यहां से, अब हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना। उर्वशी, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपस्या भंग कर सकती हो, तो क्या अपनी लड़ाई तुमसे नहीं जीत सकती गायत्री? उर्वशी जीत कैसे सकती है, हम इस बात का पता लगा कर ही रहेंगे। मेरे तंत्रों मंत्रों का तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है गायत्री। थैंक यू लाचारा, सही वक्त पे मेरी हेल्प करने के लिए। उर्वशी, इस अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।